हेलो पीपल, दिस इज विकास एंड वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड वंस अगेन। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच फॉर वेट लॉस। आप अगर मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच वेट लॉस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये सबसे पहली चीज है, मल्टीग्रेन ब्रेड हाई रिच फाइबर है, आपको डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है, ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म में फास्ट करने में आपको ये हेल्प करती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं स्पेशली मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर, और इवन और ये फाइबर रिच आपको खाने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अगर डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म ये फास्ट बनाती है, ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं मल्टीग्रेन ब्रांड के साथ, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ, तो और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से ब्रांड की मल्टीग्रेन ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में कौन से मल्टीग्रेन ब्रेड की यूज करता हूँ। तो जो ब्रांड मैं यूज करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको, ये वाला वो ब्रांड है मतलब, तो जयपुर में सबसे बेस्ट मेरे को ये वाली लगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। अगर मल्टीग्रेन ब्रेड जो होती है ना, उसमें आपको सारे ग्रेन्स इसमें दिखेंगे, देखो आपको सारे ग्रेन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मल्टीग्रेन ब्रेड है और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ओरिजिनल मल्टीग्रेन ब्रेड है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि अगर उसमें मल्टीग्रेन ब्रेड में अगर मैदा मिला होगा तो वो बहुत जल्दी टूटेगी नहीं, और मतलब थोड़ी हार्ड होगी। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है। आप इसके सैंडविच बना के सकते हैं, पर मैं तो इवन इसको मैं टोस्ट भी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली खाता हूँ, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस सैंडविच को आप है ना 4 to 5 meals के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। सुबह आप ब्रेकफास्ट में इसे यूज कर सकते हैं, इवन लंच में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। 2 slices ऑफ ब्रेड, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इवन आप पीनट बटर भी इसके साथ यूज कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, आप वेजिटेबल सैंडविच भी आप यूज सकते हैं, इवन आप हरी धनिया की चटनी वटनी जो भी आप पसंद करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या लहसुन की चटनी आप लगा के इसके साथ खा सकते हैं। घर के अंदर होममेड पीनट बटर भी आप बना के आप इसे यूज कर सकते हैं। तो होममेड पीनट बटर की रेसिपी भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पे कैसे आप होममेड पीनट बटर बना सकते हैं। जल्दी मैं उसका वीडियो लेके आने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो 4 to 5 meals स्मॉल स्मॉल आप सैंडविच बना के इसके आप यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको वैरायटीज बताई है। इसके अलावा बहुत सी ऑप्शंस है आपके पास, मायोनीज भी आप लगा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं लगाए, मैं तो मायोनीज की सलाह नहीं दूंगा। बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास पीनट बटर है, धनिया की चटनी, हरे धनिया की चटनी आप लगा सकते हैं, लहसुन की चटनी आप लगा सकते हैं, लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको हेल्प करता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। इवन पीनट बटर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, आप लो फैट चीज है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कॉटेज चीज आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप स्मॉल स्मॉल 4 to 5 अगर मल्टीग्रेन ब्रेड पर डे खाते हैं, साथ में आप हाई फाइबर फ्रूट्स एंड सैलड्स आप इसका यूज करके आप वेट लॉस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर साथ में आप चाहें तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप एग भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल में या किसी में एग को कुक करके, ठीक है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हल्का सा करके कुक करने के लिए आप एग को यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। अच्छा हो तो बॉइल्ड एग भी आप यूज सकते हैं, व्हाइट एग के साथ भी खा सकते हैं। बीच वाला जो पार्ट है ज्यादा मत खाएं, 1-2 eggs जरूर लें होल एग, क्योंकि होल एग में सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तो बीच वाले पार्ट के एग के आप 1-2 eggs खा सकते हैं, बाकी आप व्हाइट पार्ट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट सोर्स है यार वेट लॉस करने के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड। पर जो बेस्ट जो ब्रांड है वो है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है ना सबसे बेस्ट मल्टीग्रेन ब्रेड आ रही है, जो अभी मैं ब्राउन शुगर कंपनी की जो है बेकरी है, ब्राउन शुगर बेकरी, उसी की मैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूज कर रहा हूँ जयपुर के अंदर, जो कि सबसे बेस्ट मुझे ये लगी। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट ऑफ ब्राउन शुगर, बहुत अच्छी ब्रेड बनाई उन्होंने और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी यार, इनकी क्वालिटी के मामले में मानता हूँ, इनकी क्वालिटी ब्रेड की सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगी ब्राउन शुगर वाला। आई हाईली रिकमेंडेड दिस ब्रेड टू एनी ऑफ यू, जो भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है यार ये वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए। तो गाइज, तो ये सब था मल्टीग्रेन ब्रेड के बारे में। तो मैं किसी को घर पे मल्टीग्रेन ब्रेड बनाने की सलाह तो नहीं देने वाला, क्योंकि इतना आसान नहीं है बनाना इतना आपको लगता है, ठीक है गाइज। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज विकास।